वेलकम वे क्लास। अच्छा, इस सेशन में जो है एनवर्टेड यू, जो दूसरी टाइप थी एनवर्टी की, अभी हम जो प्रीवियस बात कर रहे थे वो ऑर्डिनरी एनवर्टी की बात कर रहे थे। ऑर्डिनरी एनवर्टी में क्या होता है, आपका जो भी पेमेंट्स हैं उसका लिंक होता है एट द एंड ऑफ द ईयर्स, ठीक है। यहाँ पे जो एनवर्टी ड्यू है इट इज़ द स्टार्ट ऑफ द ईयर, इट हैज़ अ लिंक टू द स्टार्ट ऑफ द ईयर। मीन टू से अगर आपने कोई एनवर्टी प्लान परचेज किया है और उसमें आपको जो बेनिफिट मिलना है, ठीक है, वो स्टार्ट ऑफ द ईयर से ही आपको बेनिफिट मिलना स्टार्ट हो जाएगा, या फिर अगर आप एज अ कंपनी है और आपको पेमेंट करनी पड़ती है तो स्टार्ट ऑफ द ईयर, ठीक है। तो इसमें जो है जस्ट यही डिफरेंस है इसमें, लेकिन फार्मूले में ज़ाहिर है डिफरेंस आ जाएगा, कैलकुलेशन में वैल्यूज में चेंज आ जाएगा, ठीक है। तो जो आपके पास एनवर्टी ड्यू है तो उसको जो है आप याद रख लें, इट इज रिलेट टू द बिगिनिंग ऑफ द बिगिनिंग ऑफ द ईयर्स, ठीक है। इट विल ट्रीट द बिगिनिंग ऑफ द ईच पीरियड, ठीक है। जो भी आपको पेमेंट्स वगैरह हमें जो है इक्वल पेमेंट अकरिंग होगी इसमें जो है बिगिनिंग ऑफ ईच पीरियड, ठीक है। तो बाकी इसमें जो फ्यूचर वैल्यू एनवर्टी ड्यू की अगर हम कैलकुलेशन करें तो 1000 फार्मूले में जो चेंजिंग है उसकी तरफ जल्दी से आ जाते हैं। 1000 सेविंग अकाउंट में जी हाँ, आप एनुअली डिपॉजिट करवा रहे हो, 7% उस पर इंटरेस्ट है, हाउ मच विल बी द वैल्यू आफ्टर 3 ईयर्स। अच्छा, इसमें जो है 3.4 पे उसने इसकी कैलकुलेशन की हुई है, एज यूजल उसकी तरफ हम पहले आ जाते हैं ताकि जो है हमें आइडिया हो जाए, ठीक है। और 3.4 जी ये यहाँ पे देखें आपको जो है नज़र आ रहा होगा, पहली बात ये है कि टाइमलाइन ड्रा की 0 पे हम हैं, ठीक है, और हमने जमा करा रहे हैं आफ्टर 1 ईयर, ठीक है। 1000 देन फिर 2000 में भी 1000, ठीक है। अब यहाँ पे देखें जो पहला साल है वो यहाँ है, लेकिन साल का जो शुरू हो रहा है वो यहीं पे हो रहा है। तो पहला जो डिपॉजिट है आपका कब जमा करा रहे हो, 1000 स्टार्ट में ही, यही बात की थी ना, स्टार्ट ऑफ द ईयर, बिगनिंग ऑफ द ईयर। अच्छा, अब इसमें जो दूसरा साल है, दूसरे साल का जो शुरू है, पहला साल जैसे खत्म हो रहा है ये हो गया, ठीक है। और इसी तरह से जो तीसरा साल है उसका जो शुरू है वो ये। अब आपके पास क्या सिनेरियो बन गया कि स्टार्ट ऑफ द ईयर की वजह से जब आप यहाँ पे अब आ जाते हैं, ठीक है, आपको क्या है, जैसे मैंने पहले कहा था कि आपने जो है एंडिंग उसमें जाना है कि फ्यूचर आपका जो है आफ्टर 3 ईयर यहाँ पे है, लेकिन अब इन्हीं को जो है आपने देखना है कि 1000 1000 1000 इन तीनों थाउजेंड पे कितने साल इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है। तो अगर हम इसकी बात कर लेते हैं, लाइक ये आपके पास जो है ये फर्स्ट वाला, चलें फर्स्ट वाला, तो इसको यहाँ तक अगर आप ठहरे, इट्स मीन के यहाँ से यहाँ तक 1 साल 2 साल, ठीक है, और 3, बस समझ में आ गई, 0 एक इधर इंटरेस्ट लग गया, एक इधर लग गया, यानी कि इसको तो 3 दफ़ा इंटरेस्ट अप्लाई हो गया, ठीक है। ये वाली जो अमाउंट है जो कि 0 पे आपने जो है आपको मिली या दी, तो इसमें क्या है, 3 दफ़ा इंटरेस्ट लग गया। और ये जो 1000 है इसमें क्या लग गया, 1 और 2, ठीक है, यानी कि तीसरे साल तक चलना है ना आपने, यहाँ से यहाँ तक 1, यहाँ से यहाँ तक 2, यहाँ पे 2 लग गया, ठीक है, 2 साल इंटरेस्ट लग गया। यहाँ पे आपके पास क्या है, सिंगल है, तीसरे साल के एंड तक, यानी कि साल के शुरू में है लेकिन तीसरे साल का इंटरेस्ट इसमें लग गया, तो ये क्या हो जाएगा आपका 1, ठीक है। तो यहाँ पे फार्मूला आपको नजर आ रहा होगा, फ्यूचर वैल्यू एनवर्टी ड्यू, अगर हम, अच्छा इसमें क्या है, डी आपने क्या लिखना है, फ्यूचर वैल्यू एनवर्टी डी, डी जो है ड्यू को शो करेगा, ठीक हो गया जी। 1000 1 1 प्लस 1.07 की पार पहला क्या है, इधर 3, फिर क्या है 1 प्लस 7 की पार 2, फिर 1 प्लस 7 की पार 1, ठीक है, 3 2 1 रिवर्स ऑर्डर में आप चलेंगे, ये कैलकुलेशन की है, और 3 4 4 0 आपके पास आंसर है। तो जो है ऊपर अब हम चलते हैं जहाँ से हमने जो है वापस ये इसका फार्मूला बनाया गया, ठीक है, n और इंटू n-1 n-2 n-3 इस तरह से आपको, ठीक है, n से शुरू किया और फिर n-1, पहले हमने क्या किया था, n-1 से शुरू किया था, यहाँ पे n से स्टार्ट करें क्योंकि स्टार्ट ऑफ द ईयर है, तो इट्स मीन आपकी जो अमाउंट है उस पर 1 साल इजाफी इंटरेस्ट लग गया, ठीक है, समझ अगर आ गया हो तो जी। यहाँ पे n-0 0 पे लग गया था, और n-1 n-2 अप टू सो ऑन, ये हमारा फार्मूला। यहाँ पे ये देखें 3, और उसके बाद जो है आपके पास पार क्या आ रही है, 3-1 2, और उसके बाद क्या है, 3-2 और 1, ठीक हो गया जी। ये हमारी कैलकुलेशन की 3440 आ गया, और उसके बाद क्या है आपके पास जो इंटरेस्ट है, अगर हम इसको जो हमारा फार्मूला था पहला, ठीक है, डायरेक्ट फार्मूला, उससे अगर हम अप्लाई करते हैं तो उसमें बच्चों ये देख लो कि सेम सारा वही फार्मूला है, ठीक है, आर की वैल्यू वही, कैश फ्लो 1 प्लस आई की पार n-1 डिवाइडेड बाई आई,
ये जो आपके पास नजर आ रहा है पोर्शन, ये इजाफी है, ठीक है। वी जस्ट एड 1 प्लस आई, इट इज द इंटरेस्ट फैक्टर। ये आपको सिर्फ इसमें क्या करना है, मल्टीप्लाई कराना है इजाफी तौर पे, क्यों, हमारी जो अमाउंट है उस पर एक साल इजाफी इंटरेस्ट लगा है, ठीक है। जस्ट आपके पास बाकी सब कुछ वैसा ही है, जस्ट 1 प्लस आई से इसको मल्टीप्लाई करवाना, तो आपका आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा। ये देखें, अगर याद आ रहा हो 1.07 की पावर 3 हम लेते हैं माइनस 1 और डिवाइड 0.07 करते हैं, तो 3.2149, ठीक है, ये हमारे पास ये आंसर है, ठीक है। और इसी को हम जो है आगे मल्टीप्लाई करते हैं 1000 से, और ये आपके पास 1.07 जो कि इजाफी तौर पे आपका जो इंटरेस्ट है वो आपने अप्लाई किया, तो 3439 ये हमारा आंसर आ जाता है, ठीक है। तो ये डिफरेंस था आपके पास एनुइटी ड्यू का, प्रेजेंट वैल्यू एनुइटी ड्यू की अगर हम तरफ चलते हैं तो उसमें भी ऐसा ही आपको मिलेगा। जस्ट आपको क्या करना है, यहाँ पे देखें प्रेजेंट वैल्यू की अगर हम बात करें, टाइम वैल्यू फैक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से 0 है, 0 से ही मुझे बेनिफिट मिलना शुरू हो गया, तो मैं इसकी पार में पहले ही की जो पार है वो 0 रख दूंगा, दूसरे की पार क्या है 1 रख दूंगा, 3 रख दूंगा, 4 रख दूंगा, इस तरह से। यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन हम कर रहे थे वो 3 साल तक का है, तो प्रेजेंट वैल्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है 0, 1, 2, 3 से हम स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ उसका आंसर 2028 आया हुआ है, और ये उसकी सारी कैलकुलेशन है आपकी आंखों के सामने, ठीक हो गया जी। चलें, ये हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू एनुइटी ड्यू का कॉन्सेप्ट था, ठीक है, जिसमें जो है आप जो है अंडरस्टैंडेबल था आप लोगों के लिए, ठीक है। अगर कोई मसला होता है बताइएगा। चलें जी, ये यहाँ भी टाइमलाइन जो है ड्रा करके इसी क्वेश्चन को किया गया जो मैं आपको बता रहा था 208, ठीक है, 2808 सॉरी, ठीक है। तो ये आंसर आ गया। अब हम बात करते हैं मिक्स फ्लो की। मिक्स फ्लो में आपके पास क्या कॉन्सेप्ट होता है, मिक्स फ्लो का मतलब ये होता है कि आपके पास जो कैश फ्लो है वो इक्वल पेमेंट नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखें आपके पास पहला दूसरा साल है, फॉलो 6000 एनुअली एट द एंड ऑफ द 3 और 4 ईयर्स, ठीक है। और उसके बाद जो है वो कहता है व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 5000 टू बी रिसीव एनुअली एट द एंड ऑफ द 1 और 2 फॉलो बाय द 6000 एनुअली एट द एंड ऑफ 3 और 4 एंड कंक्लूडिंग फॉर द फाइनल पेमेंट इज 1000 एट द एंड ऑफ 5 ईयर, ऑल डिस्काउंट इज 5%। देखें यहाँ पे दो दो साल के गैप से वैल्यूज चेंज हो रही हैं, तो इसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर कैसे किया जा सकता है, ये एनुइटी का केस ही। यहाँ पे देखें इसको ड्रा किया गया, 5000 आपको पहले साल, फिर 5000 दूसरे साल, तीसरे और चौथे साल 6000 है, और फिफ्थ ईयर में 5000 है, ठीक है। तो इसकी वो कहता है एनुइटी का केस है, इसकी प्रेजेंट वैल्यू या फ्यूचर वैल्यू जो भी है निकाल दें। यहाँ पे इसने प्रेजेंट वैल्यू निकाली हुई है, देखें इसके लिए मजबूरी है कि बाय पार्ट्स करना पड़ेगा, इसको हम डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि इक्वल सीरीज ऑफ पेमेंट नहीं है। तो ये सिंपल उन्होंने बाय पार्ट्स एक एक साल का जो कैश फ्लो है उसको डिवाइड करके जो है इसको सॉल्व किया हुआ है, तो ये आपका आंसर 20201 है, ठीक है। तो बहरहाल समरी की तरफ मैं आ जाता हूँ, अब तक हमने जो डिस्कशन की है, ठीक है बच्चों, सिंपल अब तक जो हमारे पास फार्मूले इस चैप्टर में आए हैं, ठीक है, आप देख सकते हैं सिंगल अमाउंट के लिए फार्मूला जो प्रेजेंट वैल्यू या फ्यूचर वैल्यू का था वो मैंने इसको लिख दिया है, ठीक है, वो आप लोग देख सकते हैं। ये हमारे पास था सिंपल, ठीक है, एक लमसम अमाउंट के लिए जब हम बात करें, ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है या फ्यूचर वैल्यू, तो इससे की जा सकती है। एनुइटी के केस में आपके पास फ्यूचर वैल्यू एनुइटी की अगर हम बात करें तो ये डायरेक्ट फार्मूला था, प्रेजेंट वैल्यू एनुइटी की बात करें तो ये है, ठीक है। इसी तरह से जो है हमारे पास अगर हम बात करें इसकी एनुइटी ड्यू की, तो ये फार्मूला हमें नज़र आता है, ठीक है। और उसके बाद जो है अगर प्रेजेंट वैल्यू एनुइटी उसकी बात करें तो ये हमें नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ये आपके पास जो है फार्मूले थे। अच्छा, ये जो हैं सारे के सारे जो हैं क्या हैं, इक्वल सीरीज ऑफ पेमेंट को शो कर रहे हैं, ठीक है, जहाँ पे आपके पास एनुइटी, ऑर्डिनरी एनुइटी ये दोनों, और बाकी एनुइटी ड्यू के लिए ये, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट फैक्टर आप देख सकते हैं इसका इजाफा हुआ होगा, ठीक हो गया। अच्छा, अब आगे हमने जो काम करना है वो आपके पास क्या काम होगा, अच्छा जी, उसमें आपने ये देखना है कि अनइक्वल जो पेमेंट है उसके ये फार्मूले हैं, ठीक है, जिसमें वही बाय पार्ट्स वाला हर एक साल के अलग अलग से कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है, और उनका सम कर लिया करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। एनुइटी का ये है,
और प्रेजेंट वैल्यू एनविटी ऑर्डिनरी एनविटी का ये है, और एनविटी ड्यू जो है उसका ये है, और एनविटी ड्यू की प्रेजेंट वैल्यू ये है। ये अनइक्वल कैश फ्लो जब आ जाए फिर हम ये अप्लाई करते हैं। ठीक है, आगे हमारे पास असाइनमेंट स्टार्ट हो रही है, इसके लिए जो है मैं अलहदा से जो है आपको रिकॉर्डिंग भेजता हूँ, और प्रीवियस जो आपकी असाइनमेंट है उसकी सोल्यूशन भी। ठीक हो गया जी, अल्लाह हाफिज़।